हेलो एवरीवन, आज है 24 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। 52 रुपीज के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें तो एक बढ़िया रैली आई है, कल इनके नतीजे भी आए थे और नतीजे काफी बेहतर थे और उसका असर आज हमें इनके शेयर के प्राइस पर देखने को मिल रहा है। तकरीबन 4.5% की बढ़िया रैली यहाँ पर जरूर आई है आज, और कल नतीजे भी आए थे वो काफी अच्छे नतीजे थे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे के और ये भी बात करेंगे कि शेयर में इस प्राइस पर खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 50 रुपए से भी ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छी रैली इसमें जरूर देखने को मिली है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में बैंक ऑफ बड़ौदा में 40% का ग्रोथ है, काफी बड़ी रैली है। 37 रुपीज के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था और काफी बढ़िया रैली आई है, 50 रुपए से भी ऊपर ये शेयर निकल चुका है। पिछले एक साल की हम बात करें तो 55% की गिरावट है, 130 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया है और काफी बड़ी गिरावट आई, 36 रुपए तक का लो भी बना, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रैली की तरफ शेयर आगे बढ़ा जरूर है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में 67% की गिरावट है, 185-190 रुपए तक का हाई है, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, 36 रुपए तक का भी लो बना है। तो देखिए पिछले काफी अगर हम बात करें तो अरसे से यहाँ पर एक बहुत बड़ी गिरावट चल रही थी और इसका रीजन सिंपल था, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था लेकिन जब कई सारे बैंक का इनके साथ मर्जर किया गया वहां से हालत खराब होना शुरू हुई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब से बाकी बैंकों के साथ इनका मर्जर किया गया और उससे एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, क्योंकि उन बैंकों के साथ मर्जर हुआ जो ऑलरेडी नॉन परफॉर्मिंग बैंक थे और काफी बड़े ऐसे जो काफी बड़े एनपीएस लेके बैठे थे ये लोग, और उनका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए काफी खराब साबित हुआ। लेकिन धीरे धीरे अब लग रहा है कि वो जो मर्जर से जो भी गिरावट थी या फिर जो भी बुरी इफेक्ट थी वो शायद धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है और यहाँ से शायद एक अच्छी रैली की तरफ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। आप देखिए लार्ज कैप स्टॉक है, 25,000 करोड़ के आसपास है इसका मार्केट कैप है, NSE में देखेंगे तो 12 करोड़, भैया बहुत ज्यादा होता है, 12 करोड़ तक का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है और अभी मार्केट ओपन है, अभी वक्त हुआ है दोपहर के 2:40 हुए हैं, अभी भी मार्केट ओपन है और जब तक मार्केट आज बंद होगा तब तक मुझे लगता है कि 13 से 14 करोड़ तक का वॉल्यूम ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 71.60% की होल्डिंग है, FIIs के पास 4.57% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 10.01% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.56% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 9.88% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर मतलब सरकारी बैंक के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर होंगे जिनके पास 71.60% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 25 म्यूचुअल फंड्स के पैसा लगा, 170 FIIs भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात की तो HDFC ट्रस्टी कंपनी है जिनके पास 3.58% की होल्डिंग है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.70% है, डिविडेंड 2017 में आखिरी बार पे किया था 1.20 रुपए का, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी इनकी दिखाई दे रही है, और तो और अगर हम यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नतीजे आए वो वाकई में काफी अच्छे हैं, और अगर हम यहाँ पर देखें तो 480 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, 480 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है और ये काफी बेहतर चीज है क्योंकि पिछले क्वार्टर में 1,218 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था, इससे पहले 850 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 826 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 817 करोड़ का नुकसान था, तो इस बार मुनाफा कम जरूर है लेकिन एक अच्छे पॉजिटिव मुनाफा है तो उसको हम कह सकते हैं कि चलो बढ़िया है। प्रोविजनिंग यहाँ पर की है तकरीबन 6,930 करोड़ के आसपास की यहाँ पर प्रोविजनिंग है, जो पिछले क्वार्टर में 7,233 करोड़ थी उससे पहले 4,000 करोड़ तक की देखने को मिली थी, तो प्रोविजनिंग भी अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कम है लेकिन उससे पहले से अगर कंपेयर करेंगे तो काफी ज्यादा प्रोविजनिंग भी देखने को मिली है, और वाकई में ग्रोस एनपीए नेट एनपीए में काफी बड़ा सुधार भी है यहाँ पर, हालांकि नंबर यहाँ पर अभी भी सही नहीं है लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो जो पहले 73
थाउजेंड करोड़ तक का था वो 69,000 करोड़ तक का देखने को मिला है, और 26,000 करोड़ तक का जो नेट एनपीए था वो अब 21,000 करोड़, तो काफी अच्छा सुधार हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें प्रमोटर की होल्डिंग है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, सेशन एंड पर 23% की होल्डिंग 71.60% है, शेयर्स गिरवी नहीं है, एफआईएस ने बिकवाली की है 7.03% की होल्डिंग 4.57% है, म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी बिकवाली जरूर की है 10.96% की होल्डिंग 10.01% है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी थोड़ी सी बिकवाली की है 4.26% की होल्डिंग 3.56% है। तो ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड और तो एफआईएस सभी ने यहाँ पर शेयर्स बेचे हैं। और एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि नतीजे आए लेकिन फिर भी जो बहुत बड़ी दिग्गज क्रेडिट रेटिंग कंपनी है मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने अभी भी देखिए ग्लोबल रिसर्च फर्म मॉर्गन स्टैनली हैज मेंटेन अंडर वेट कॉल ऑन द स्टॉक, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में, विद टारगेट ऑफ 42 रुपीज। तो देखिए नतीजे अच्छे आए लेकिन उसके बावजूद भी जो काफी बड़ी दिग्गज कंपनी है जो रिसर्च करती है शेयर्स पर और अपना रिव्यू बता दी है, तो उनका अभी भी यही कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा अभी भी अंडर वेट में है और 42 रुपीज पर शेयर का उनका टारगेट है। हालांकि शेयर 52 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उनको लगता है कि शेयर अभी भी काफी ऊपर है, तो अभी यहाँ से डिक्लाइन भी हो सकता है, तो उन्होंने अपनी रेटिंग जो है अभी भी यहाँ पर अपडेट नहीं की है। उनका ये कहना है कि अभी भी शेयर एक बड़े प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से नीचे ये शेयर जा सकता है। तो अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट टर्म के लिए जरूर दमखम है कि 55 to 60 रुपीज तक जाने का दम रखता है, लेकिन वहां तक जाने से पहले शेयर 50 पर भी जाएगा, 45 पर भी जाएगा। और दूसरी बात है कि धीरे धीरे काफी बड़ी रैली यहाँ पर आ रही है, ये अच्छी बात है। और शेयर में अगर आप कम से कम थोड़ा सा लंबी समय तक का अगर होराइजन लेके चले तो जरूर ये शेयर आपको अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा, 60-65 तक आपको ट्रेड करता हुआ भी दिख जाएगा। तो खरीदारी की है तो आप चाहे तो यहाँ पर बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग करने का अगर आपका इरादा है, अगेन मैं कह दूं अगर आपका फ्रेश बाइंग करने का इरादा है तो मैं आपको यही कहूंगा कि कर सकते हो लेकिन एक साथ सारे के सारे शेयर्स मत खरीद लेना, क्योंकि एक बड़ी रैली आई है 37 रुपीज से, यहाँ पहुंचा है 55 रुपीज तक जाएगा, लेकिन बाद में वापस 50-45 तक भी आने के चांसेस है, वापस 65 रुपए तक जाएगा, 60 रुपए तक जाएगा, वापस थोड़ा नीचे जाएगा। तो एवरी जब भी गिरावट आए आप थोड़ी सी होल्डिंग चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी होल्डिंग यहाँ पर मैं फंसाने की आपको राय नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ पब्लिक सेक्टर बैंक की, मतलब पीएसयू बैंक में अगर मैं बात करूँ तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ जितना ज्यादा मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर हूँ। तो मैं हमेशा सा सबको यही कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी सरकारी बैंक में खरीदारी करनी है तो इंस्टेड ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर पंजाब नेशनल बैंक या फिर और कोई भी बैंक हो, उससे बेहतर यही होगा कि आप खरीदारी करो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करो, अभी भी काफी सस्ता है, 200 रुपए से भी कम प्राइस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवेलेबल है। तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर अपना दाव खेल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जरूर अच्छा शेयर है लेकिन थोड़ा रिस्की भी है, तो इसलिए मैं आपको प्रीफर करने का कहूंगा कि एक बड़ा अमाउंट आप चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फंसाए, बैंक ऑफ बड़ौदा में आप छोटी क्वांटिटी चाहे तो लगाइएगा, बड़ी क्वांटिटी आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगाइएगा, तो आपको बढ़िया से बढ़िया मुनाफा आने वाले दिनों में जरूर होगा, और एक ट्रस्ट रहेगा कि भैया आपका पैसा कहीं जा नहीं रहा है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा कोई डूबने वाला बैंक नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ कह नहीं सकते कि किन बैंकों के साथ इनका मर्जर करा दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बातें चल रही है कि जो बैंक परफॉर्म नहीं करते हैं उनको डेफिनेटली जब बैंकिंग रिफॉर्म के द्वारा या फिर बाकी बड़ी बैंक के साथ उनका मर्जर करा दिया जाता है, तो मैं यही कहूंगा आपसे कि वो चीजें भी आपको अगर आने वाले दिनों में भी आरबीआई के द्वारा बैंकिंग रिफॉर्म को देखने को मिलेगा, तो अगर वो चीज भी काफी बेटर होगी, अगर बैंकिंग रिफॉर्म आता है तो काफी अच्छी चीज साबित होगी बैंक, स्पेशली बैंकिंग शेयर्स के लिए और पीएसयू बैंक के लिए भी। तो अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नतीजे आए हैं वो काफी शानदार है और इससे शेयर्स में एक आने वाले दिनों में एक मजबूती आपको जरूर देखने को मिलेगी, और जो गिरावट थी इस मर्जर को लेकर ऑलरेडी काफी ज्यादा पिटाई इनकी हो चुकी है, अब धीरे धीरे वो इन सब से बाहर आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से शेयर में एक अच्छी रैली आपको मिलनी चाहिए लेकिन उतनी बड़ी रैली नहीं मिलेगी जितनी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिल जाएगी। तो पैसा लगाना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चूज करें, बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप खरीदारी कर भी रहे हो तो आप छोटी क्वांटिटी यहाँ पर लगा सकते हो। जो लोग फ्रेश बाइंग कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी शेयर है, वो चाहे तो 60 रुपए का टारगेट लेकर वेट कर सकते हैं यहाँ पर बने रहने का। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।